हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो गाइस, अगर आप हमसे किसी भी प्रकार की एडिटिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, या फिर आप ऊपर जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आप वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो जल्दी से हमें व्हाट्सएप कीजिए। एंड गाइस, अगर आपको एडिटिंग सीखनी है तो आप इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखिएगा, आप डेफिनेटली एक अच्छा वीडियो बना पाओगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे एडिटिंग से रिलेटेड इंटरेस्टेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। एंड आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इसके लिए आपके फोन में काइनमास्टर एप्लीकेशन होना चाहिए, अगर आपके फोन में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस वाला साइन आपको दिख रहा है, वो उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 16:9 रेशियो सेलेक्ट करना है। ये ओपन होने के बाद गाइज यहाँ पर मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन ले लेना है, जिसके लिए आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ से एक ब्लैक स्क्रीन ले लेना है। फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे अपन स्ट्रेच कर लेते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर वो टेम्पलेट ऐड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट यहाँ पर लोड करने के बाद आपको यहाँ पर इसको फुल स्क्रीन करना है, इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जाना है, आपका ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमारा टेम्पलेट जो है यहाँ पर आ चुका है। अब जो टेम्पलेट की लेंथ है उसी लेंथ की अपने को ब्लैक स्क्रीन करनी है, तो ब्लैक स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से राइट ट्रिम कर देते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पर हमें सारा फोटो एंड सारा डिटेल्स ऐड करना है, तो जैसे जैसे मैं ऐड करता हूँ आप भी वैसे वैसे करते जाइए। सो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हमें ये जो टेम्पलेट है इसको ब्लेंड करना है, तो टेम्पलेट वाले लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग पे जाते हैं। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद इसको स्क्रीन कर देते हैं। अभी आपको यहाँ पर कुछ भी होता हुआ नहीं दिखा होगा, लेकिन बहुत कुछ हो चुका है। सो आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर आपका जैसे बेबी का जो बर्थडे है उसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी आपको ऐड करना है यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मेरे को आगे खिसकाना है और यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ से हमारा टेक्स्ट आना चालू हो रहा है बस वहाँ पर रुकते हैं और वहाँ पर एक नया लेयर लेते हैं। लेयर में जाके एक टेक्स्ट ले लेते हैं। टेक्स्ट में आपको अगर मान लीजिए फर्स्ट बर्थडे है तो आप फर्स्ट ले लीजिए, तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसके बाद जो है इसका कलर पे जाते हैं अपन, और कलर में जाने के बाद यहाँ से आपको ये ब्राउन कलर ले लेना है, तो मैंने डार्क ब्राउन ले लिया। और नीचे जो है नीचे जाने के बाद यहाँ पर शैडो है, इसका शैडो ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको इसका फ़ोन सेलेक्ट करना है, तो इस पर जाते हैं और यहाँ से जो है फ़ोन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग ये वाला। ओके, तो इसके बाद गाइज यहाँ पर इन एनिमेशन में चले जाते हैं और इन एनिमेशन को फेड कर लेना है आपको। फेड करने के बाद यहाँ पर जो है ये फर्स्ट को जो है यहाँ पर बर्थडे के ऊपर एडजस्ट कर लेना है अच्छे से और आगे स्ट्रेच करना है जहाँ पे हमारा स्क्रीन ब्लैक होता है। ओके, जहाँ पे स्क्रीन ब्लैक होता है वहाँ पर बस इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ट्रिम कर लेना है इसको राइट टू प्ले हेड। इसके बाद ये फर्स्ट वाले में जो है आउट एनिमेशन लगा देना है फेड। ओके गाइज, तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये ऐसे फेड होके आएगा। एंड उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए गाइज यहाँ पर सबसे पहले अपने को बेबी का फोटो लगाना पड़ेगा, तो बेबी का फोटो लगाने के लिए बस वैसे ही करना है। यहाँ पर जो ब्लैक स्क्रीन है यहाँ पर बस आना है और इसके बाद यहाँ पर लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, और मीडिया में जाने के बाद आपको अपने बेबी का फोटो सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइज, फोटो सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको इसको क्रॉप करना पड़ेगा, तो क्रॉप में जाते हैं जल्दी से और यहाँ से जो है राइट साइड से इसको क्रॉप कर लेते हैं पूरा, और इधर लेफ्ट से भी क्रॉप कर लेते हैं। आप इसको जितना क्रॉप कर सकते हैं अपने फोटो को उतना ज़्यादा क्रॉप कर लीजिए, ताकि जो है इसका एक्स्ट्रा पार्ट ना दिखे। उसके बाद यहाँ से मास्क में जाना है और यहाँ से शेप जो है इसका कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से, आपको वहाँ पर जो भी आपका परफेक्ट लगे, क्योंकि ये फोटो के बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद जो है यहाँ पर फिर से इस फोटो वाले लेयर पर क्लिक करना है, फिर से क्रॉप पर जाना है और यहाँ पर जो है ये जो फेदर है ये फेदर को फुल कर देना है। ओके, और उसके बाद गाइज इस फोटो को जो है आपको सेंड टू बैक करना पड़ेगा, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे जाइए और यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो जो है वो टेम्पलेट के पीछे चले गया है, अब बस इसको यहाँ पर एडजस्ट करना है। ओके गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा फोटो एकदम अच्छे से एडजस्ट हो गया है। एडजस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर फोटो में इन एनिमेशन लगाना है फेड, एंड आउट एनिमेशन भी फेड लगाना है।
ओके गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फोटो जो है इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद जहाँ से हमने फोटो ऐड किया है बस वहीं पर जो है हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पर लेयर में जाते हैं और टेक्स्ट में जाते हैं और यहाँ पर जो है नाम लिख लेते हैं। इसका फ़ॉन्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर कोई सा भी फ़ॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है ये एसी ब्लैक वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है। आपको अगर ये नहीं मिल रही है तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद इसका भी कलर सेम वही ब्राउन कलर का लेना है अपने को। ओके, कलर सेलेक्ट हो गई है और यहाँ से शेडो हटा देना है। उसके बाद इसका इन एनिमेशन जो है हमें यहाँ से स्लाइड राइट करना है। स्लाइड राइट कर दिया हमने और इसको जो है 1.5 सेकेंड कर देते हैं। और यहाँ पर गाइज हमें वो जो फ्लूट था वो फ्लूट भी ऐड करना है, आई मीन बांसुरी। तो लेयर पर जाते हैं और इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बांसुरी की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज, तो फ्लूट ऐड करने के बाद इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे। तो इसके लेयर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्लेंड पे चले जाते हैं और ब्लेंड में इसको मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई हो चुकी है, उसके बाद इस पर क्लिक करना है और राइट साइड से थोड़ा सा इसको क्रॉप करना है बस। तो क्रॉप में जाते हैं और थोड़ा सा बस इसको क्रॉप कर देते हैं। ओके गाइज, तो अब इसको जो है स्क्रीन के लास्ट तक करना पड़ेगा जहाँ तक ये फोटो रहेगा। तो देख लेते हैं हम कि हमारा ये स्क्रीन जो है ब्लैक कहाँ होता है। तो हमारा स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक होता है, तो यहाँ पर जो है यहाँ तक हमें फ़ोटो करना पड़ेगा। तो अभी पहले आगे तक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक हो रहा है, तो बस यहाँ पर सारे लेयर पे क्लिक करना है और ट्रिम टू राइट ऑफ लेयर कर देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है उसके बाद हमें बस सारा कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए आपको ये बांसुरी वाले पे क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पर टेक्स्ट पे सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट को इसके ऊपर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। ओके, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो गई है। अब बांसुरी वाले लेयर पे आपको क्लिक करना है और इसको इन एनिमेशन देना है। तो इन एनिमेशन इसमें भी अपने को स्लाइड राइट करना है और इसको भी 1.5 सेकंड कर लेते हैं। तो अब जो है हमारा टेक्स्ट और बांसुरी दोनों साथ में आएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक और टेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, आवर बिलव डॉटर। तो उसके लिए आपको इस टेक्स्ट पर क्लिक करना है और जस्ट इसका डुप्लीकेट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ गया है, बस इस पर क्लिक करके इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर राइटिंग में चले जाते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं आवर बिलव डॉटर। ओके, ये लिखने के बाद गाइस इसको छोटा करना पड़ेगा, छोटा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पर हर एक लेयर को जो है आउट एनिमेशन देना है। तो आउट एनिमेशन फेड करना है। ओके गाइस, तो अपने जो यहाँ पे पहला स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। दूसरे स्लाइड में आपको यहाँ पर इसी तरीके से जैसे आपने बेबी का फोटो ऐड किया, इसी तरीके से आपको बेबी के फादर का और बेबी के मदर का फोटो ऐड करना है। तो सेम यही प्रोसीजर है, आप जल्दी से कर लीजिए, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेरेंट्स का नेम, फोटो, जो भी सैंपल का जैसा सैंपल था वैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, आप लोग भी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर हमें डेट डालना है, मतलब फंक्शन डेट क्या है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उस टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर लेयर में चलते हैं और यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेते हैं और टेक्स्ट में आपको जो भी डेट डालना है आप वो डेट वहाँ पर डाल दीजिए। ओके, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया है हमने और टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है और शैडो जो है इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कलर जो है इसका भी वही ब्राउन कलर का यहाँ पर कर लेना है एंड इसका फ़ॉन्ट जो है गाइस यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाना है और यहाँ से आपको ये सिंजल बोल्ड जो है आपको ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर इसका इन एनिमेशन जो है हमें लेना है वाइप डाउन। तो यहाँ पर इन एनिमेशन में चले जाते हैं और यहाँ से वाइप डाउन आपको मिल जाएगा, आप ये वाइप डाउन वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये बाई डिफ़ॉल्ट जो है 1 सेकेंड पर होगा, आपको 1.5 सेकेंड कर लेना है। उसके बाद ओके करना है, फिर इस पर आउट एनिमेशन लगानी है। तो आउट एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पर हम फीड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन जो हमारा ऐड हो चुका है। ओके गाइस, तो इसके बाद हमें वेन्यू डालना है। तो यहाँ पर वेन्यू वाले सेक्शन में जाते हैं और वहाँ पर भी सेम आपको वही कर रहा है, नया जो
टेक्स्ट है वो टेक्स्ट लिख लेना है वेन्यू वाला। तो हम सिंपल जो है यहाँ पर हमारा जो डेट वाला यहाँ पर लेटर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उसको बस यहाँ से क्लिक करना है और डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बस आगे खिसका लीजिए यहाँ पर जहाँ पर ये एंड हो रहा है वहाँ पर बस इसको एडजस्ट कर लीजिए। और एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वेन्यू वाले में ये आ गया। बस इस पर क्लिक करना है और टाइप करके हमें बस इसमें वेन्यू लिख देना है डेट हटा के। और आप चाहे तो वहाँ पर नया टेक्स्ट लेके भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा कॉपी कर लिया बस। ओके तो गाइज इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पर बस थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, आपको जैसे सूटेबल लगे आप कर लीजिएगा। एंड देन गाइज इसको थोड़ा सा जो है आगे स्ट्रेच करना पड़ेगा तो क्योंकि वेन्यू जो है थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर स्ट्रेच करते हैं और जहाँ पर स्क्रीन ब्लैक होता है बस वहाँ पर जो है इसको यहाँ से राइट ट्रिम कर लेते हैं। और आगे यहाँ पर जो है बस लास्ट स्लाइड आ गया गाइस। तो लास्ट स्लाइड में आपको फैमिली पिक ऐड करनी है, तो जहाँ से ब्लैक स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे बस रुकना है हमें और लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ से फैमिली वाली फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेनी है। और फैमिली वाली फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद इसको भी गाइस सेम वही है यहाँ पर क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर मास्क में जाना है, शेप में जाना है और शेप जो है इसका आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया था उस टाइम। तो ये मतलब ये शेप ज़्यादा बेटर रहेगा इसमें, तो ये शेप सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक में जाना है, फिर यहाँ पर फेदर जो है इसको हाई कर लेना है और उसके बाद जो है इस फोटो को यहाँ पर सेंड टू बैक करना है। देन यहाँ पर बस इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद गाइज आप यहाँ पर साइड से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से इस पर फिट हो जाए। ओके गाइज तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लास्ट फोटो भी जो है ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से गाइज यहाँ पर जो है हमारा वीडियो बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सॉन्ग इस वीडियो में पहले से ऐड है, तो आप अगर सॉन्ग चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर जो टेम्पलेट है आपको इस टेम्पलेट वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पर जाके इसको म्यूट कर देना है बस। उसके बाद गाइज आप म्यूट करने के बाद यहाँ पर ऑडियो है, आपको ऑडियो में जाना है और यहाँ से जो है आप कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। आपको आपके फ़ोन में जितना भी सॉन्ग है सारा अवेलेबल यहाँ पर मिल जाएगा, आपको बस उस वाले सॉन्ग पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक प्लस वाला साइन आएगा, उस प्लस वाले साइन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सॉन्ग जो है ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद गाइज सिंपली आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से बस एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है कि ये वीडियो जो है आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो बस गाइज यही सिंपल सा प्रोसीजर था, आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बट फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। एंड अगर आपसे वीडियो नहीं बन रही है, आप अगर हमसे बनवाना चाहते हैं तो फिर आप WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ऊपर WhatsApp का नंबर दिख रहा होगा। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिल जाए, साथ में बेल आइकन जरूर ऑल पर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।